हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में पिछली कक्षा में आपने कोशिका के प्रकार तथा कोशिका का आकार एवं आकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज आपके इस विषय के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। आइए जानते हैं बच्चों। इसमें आप सबसे पहले तीन कालम बना लेंगे। पहले कालम में लक्षण, दूसरे में जंतु कोशिका और तीसरे में पादप कोशिका, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दर्शाया गया है, इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे। और लक्षण में अब यहाँ पर आपको तुलना करना है कि कौन सा लक्षण किसके पास है और कौन सा लक्षण किसके पास नहीं है। तो सबसे पहले लक्षण हम लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, किंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बच्चों बता दें आपको कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति से ही सभी पौधे अचल होते हैं, अर्थात चलते फिरते नहीं हैं, वे सिर्फ एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है और वे चल होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनमें मोशन होता है। नेक्स्ट लक्षण है लवक। यहाँ पर लवक से तात्पर्य है हरित लवक। तो बच्चों जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है। और हरित लवक की उपस्थिति से ही सभी पौधे हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वह हरी होती हैं और पत्तियों का रंग हरित लवक की उपस्थिति से ही हरे रंग का होता है। नंबर 3 लक्षण है रसधानी। जंतु कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है और इसमें अधिकांशतः जल व कुछ अन्य रस पदार्थ भरे होते हैं। चौथा लक्षण है सेंट्रोसोम एवं सेंट्रियोल। तो यह लक्षण जो है जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लक्षण 5 गॉल्जी का है। जंतु कोशिकाओं में पूर्ण विकसित एवं अस्पष्ट गॉल्जी काय होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कम विकसित एवं छित्रा यानी कि फैला हुआ होता है। और बता दें गॉल्जी काय जब पादप कोशिकाओं में होता है तो उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट लक्षण है संचित भोजन अर्थात स्टोर्ड फूड। अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो जंतु कोशिका के पास जो भी भोजन जमा होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जबकि पादप कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ जमा होता है उसे स्टार्च या मंड कहा जाता है। लक्षण 7 कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जंतु कोशिकाओं में एक खांच द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल फरो के द्वारा होगा, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टी अर्थात सेल प्लेट के बनने से कोशिका बढ़ती है। कहने का आशय है कि एक मुख्य कोशिका होती है और वह कोशिका विभाजन करके दो नई पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है।
तो बच्चों ये रहा आपका टॉपिक जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके साथ ही बच्चों बता दें आपको, इसका मैं संबंधित चित्र भी आपके इस YouTube लिंक पर दे रहा हूँ और इसी में जोड़ दे रहा हूँ। इसे भी आप अपनी किताब से भी देख लेंगे और जो चित्र मैं बना रहा हूँ इस कॉपी में उसे भी आप देखकर लिख लेंगे और बनाएंगे और बिल्कुल साफ और स्पष्ट चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों आपको ये दिख रहा है जंतु कोशिका का चित्र। इसमें आप पाएंगे जंतु कोशिका के चित्र में आपको केंद्र में एक केंद्रक दिख रहा है, उसके अंदर डीएनए भरा है, केंद्रिका है, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। इसके बाहर आप देख रहे हैं केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ अंतःद्रव्यी जालिका है, जो कि दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। बच्चों इसका अंतर ये होता है, खुरदुरी और चिकनी में जब अंतःद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं तो उसे खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, और जब अंतःद्रव्यी जालिका का वह भाग जिस पर राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं उसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं गॉल्जी काय, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके साथ सेंट्रियोल, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी काय, लाइसोसोम आदि ऐसे कोशिकांग भी कोशिका में पाए जाते हैं। तो बच्चों इसे आप बनाएंगे। ये रहा कोशिका जंतु कोशिका का संपूर्ण चित्र। इसे आप अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका चित्र है पादप कोशिका। जैसा कि आपने देखा जंतु कोशिका में केवल एक बाहर कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली लगी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में दिख रहा है कोशिका झिल्ली के बाहर दो तीन परतें और लगी हुई हैं जिस को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती है। सपोज करो कि अगर जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती तो शायद हम भी जंतु कोशिका में ही बिलोंग करते हैं और हम लोग केवल एक ही स्थान पर ऐसे खड़े रहते, चल फिर ना पाते। और आप जानते हैं कि जब भी पौधे होते हैं उनके पास कोशिका भित्ति होने से वे चलते फिरते नहीं हैं, तो वे अपने एक ही स्थान पर फिक्स रहते हैं। इसके अलावा आप इसमें देख रहे हैं कि बीच में एक बड़ा सा केंद्रक लगा हुआ है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, उसमें एक केंद्रिका लगी होती है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होगा। केंद्रक से जुड़ा हुआ अंतःद्रव्यी जालिका होता है, इसके साथ ही माइटोकांड्रिया भी होते हैं, गॉल्जी काय, जो कि यहाँ पर गॉल्जी काय अगर होंगे तो ये फैले छितरे हुए होते हैं और कम विकसित होते हैं, जबकि गॉल्जी काय को यहाँ पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं जंतु, आपको बता दें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वे 80S टाइप के होते हैं, क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं। और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो भी होती है, जैसे आपके बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो इनके सबके पास 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इनके अलावा स्पेरोसोम्स और रिक्तिका जिसे कहते हैं रसधानी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पादप कोशिका के पास एक बड़ी सी रसधानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी न किसी पादप कोशिका में एक हो अथवा कुछ में
एक या एक से अधिक भी रसधानी हो सकती है। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर तथा इन दोनों टॉपिकों का उससे जुड़ा हुआ चित्र। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देख करके चित्र को बनाएंगे और साफ साफ अपनी कॉपी में इसको मेंशन करेंगे। धन्यवाद, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स।